नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सोच अपना अपना पे। बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए आपको ताकि आपको इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो और इंफॉर्मेशनल वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आगे भी मिलता रहे। आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी कहानी को रूबरू कराने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी को शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसे मोटिवेशनल कहानी जो शायद सुनने के बाद आपके ज़िंदगी में सोच में काफ़ी हद तक बदलाव ला सकती है, आपके सोचने का तरीका काफ़ी हद तक बदल सकता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो आगे भी मिलता रहे। तो कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ा तूफान आते हैं और पूरा जंगल को तहस नहस करके चला जाता है। उस तूफान के दौरान बहुत बारिश होती है और बहुत बिजली भी गिरती है, जिसके कारण से एक बाज का भी घोंसला वहाँ पर होता है और बाज का घोंसला भी टूट के गिर जाता है। और वो टूट के गिर जाने से उस घोंसले में 3 से 4 अंडे थे, जो कि 4 अंडे में से 3 अंडे पूरा टूट के बर्बाद हो जाता है। एक ही अंडे बचता है और उस एक अंडे को बचाने के लिए बाज के वो मम्मी बाज जाके उस अंडे को ले जाके जंगल से बाहर एक छोटी सी गांव में एक मुर्गी के घोंसले में जाके रख देते हैं, उसे महफूज रख देते हैं और वहाँ से अपना जान बचा कर भाग जाते हैं। कुछ हफ्तों के बाद कुछ हफ्तों के बाद उस मुर्गी के अंडों के साथ साथ उस बाज के अंडों से भी चूजे निकलते हैं और वहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, चूजे निकलते हैं और धीरे धीरे वो बच्चे बड़ा होते होते जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाता है। और उसके कुछ दिन बाद बाज का जो नन्हा सा बच्चा होता है वो उन मुर्गियों के बच्चे से थोड़ा सा अलग थलग पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुर्गी का जो माँ होती है उसका एक ही जैसा, जैसे कि उसका मुर्गियों का ख्याल रखते हैं उसी प्रकार से। किसी को पता नहीं होता है कि ये बाज का बच्चा है या फिर मुर्गी का बच्चा है, सबको वही लगता है मुर्गी का बच्चे के जैसे ही वो टूल मिल जाता है, उसके साथ खेलता है, कूदता है, उसके साथ सोता है, खाना खाते हैं, सब कुछ करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस बाज का तो एक अलग ही मेंटालिटी का था, उसका सोच वो आसमान की तरफ था और वो देखता था हमेशा आसमान की तरफ। एक दिन अचानक एक बाज के उड़ते हुए देखकर, आसमान के ऊपर बादल के ऊपर बाज को उड़ते हुए देखकर उस नन्हे से बाज ने मुर्गी माँ से पूछ लिया कि मम्मी हम लोग क्या वो ऊपर में जो उड़ रहे हैं वो क्या है, हम लोग क्या उसके जैसा ऊपर में आसमान में उड़ नहीं सकते। तो उस मुर्गी ने उसको एक ही जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, हम लोग का बस की बात ये नहीं है, हम लोग वहाँ पे आसमान में उड़ने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग ज़मीन तक ही हम लोगों का सीमित है, एक लिमिटेशन है। और ये सुनने के बाद उस नन्हे से बाज का भी कहीं ना कहीं ये मान लिया कि शायद मम्मी सही बोल रही हैं, हम लोग शायद ऊपर आसमान में उड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग का लिमिटेशन ही यही तक है। कुछ दिन बीता गया लेकिन उस बाज का तो नज़र वो आसमान के तरफ ही रहता था। वो मुर्गी का बच्चा खेलता था एक दूसरे के साथ, वो जाता था मम्मी के साथ खाना खाने करने के लिए, जो भी होता है अपने करने के लिए करता था अपने। लेकिन उस बाज का जो नज़रिया था, उस बाज का जो नज़र था वो हमेशा आसमान के तरफ देखता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया, कुछ हफ्तों बीत गया, कुछ महीना बीतने के बाद फिर से वो लेकिन कोशिश कर रहा करते रहता था कि वो ऊपर की तरफ उड़ने का कोशिश करता था। इसी को चलते चलते एक दिन उस जगह से एक बाज का झुंड पार हो रहा था उस मुर्गी के झुंड के ऊपर से, और उसी क्षण एक बाज के सरदार को नज़र आया उस छोटे से नन्हे से बाज को, उस बाज के क्या हुआ कोशिश कि वो कितना शिद्दत से, कितना मेहनत से उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी को देख के उस बाज सरदार को यकीन हो गया, उसने पहचान लिया ये मुर्गी का बच्चा नहीं, ये बाज का बच्चा है, इसका जन्म वो ज़मीन पे नहीं है, आसमान में बादलों के ऊपर आसमान को चीर के उड़ने के लिए बना है। और इसी प्रकार उसने उस छोटे से नन्हे से बाज को आसमान के ऊपर ले आया और वहाँ से उठा के आसमान के ऊपर ले आया और खुले आसमान में छोड़ दिया।
कुछ हद मिनट तक, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट के लिए उसको तकलीफें तो हुई थी, उस बाज के बच्चा को पंख फड़फड़ाने के लिए तकलीफें तो हुई थी, दिक्कतें तो आई थी, अड़चने तो आई थी, ऑब्स्ट्रगल तो आया था, लेकिन उसने जब स्टार्ट किया तब उसने एक बड़ी लंबी उड़ान भरी और उसको भी यकीन हो गया कि उसका जन्म वो ज़मीन के लिए नहीं आसमान में उड़ने के लिए हुआ है, आसमान को चीर के बादलों के ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी यही आता है कि हम आपके जैसे और भी कई सारे जैसे बच्चे होते हैं जिसका सपना तो एक बहुत बड़ा होता है, जो कि सपना तो एक बहुत बड़ा देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका घर वाले, उसका मोहल्ले वाले, उसके दोस्त के सामने जब उसको बोलता है उसके सपने के बारे में तो उसको भी उसका भी मजाक बन जाता है, उसका मजाक बना दिया जाता है और ये तसल्ली दिया जाता है कि हम लोग के बस की बात ये नहीं है। वो जो उस जगह पे मुकाम तक पहुंचा है उसका पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लेके आता है या फिर कुछ पहले से ही अलग थलग हो गया आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, हम आप और वो सभी सेम होता है, दोनों में फर्क होता है। तो एक छोटी सी कोशिश और उस बाज की तरह कोशिश, वो हम आप और वो बच्चा अगर कोशिश अपना करते रहे, उस बाज की तरह कोशिश करता रहे तो आपकी ज़िंदगी में भी वो शुभ अवसर आएगा जो ऊपर से कोई आपको देखेगा और आपको पहचानेगा, आपको क्वालिटी को परखेगा और आपको भी हाथ पकड़ के लेके जाएगा, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। बिल्कुल, लेकिन आपको जो करना है एक कोशिश, आपको कोशिश करना है, आपके छोटे जगह से ही कोशिश लगातार करते रहना है, क्योंकि एक बात कहता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यही है कि आपको लगातार कोशिश करते रहना है, बाकी आपको प्लेटफॉर्म अपने आप मिलता जाएगा। लेकिन आपके पास टैलेंट है, आपके पास क्वालिटी है, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको देखने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको देखेगा नहीं, परखेगा नहीं, आपको टैलेंट वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्वालिटी है, आपके पास टैलेंट है, आप कोशिश करते रहिए, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको डेफिनेटली आज नहीं तो और कभी प्लेटफॉर्म आपको मिल रहेगा डेफिनेटली। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे बात को सुनने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू, थैंक यू।